हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल समायरा दुनिया ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को, और हमारे तरफ से सभी को शुभ चतुर्थी। तो चतुर्थी को घूमने के बाद हम दो दिन हो गया, अभी भी रेस्ट में चल रहे हैं। काम भी है बहुत, काम के साथ जितना भी टाइम मिल रहा है रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग सो टायर्ड। और हमारा जा रही है सोष्ठी का ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? यहाँ बोल दो, कहाँ जा रही हो बेटा? हमारा का मम्मी फुल फोकस है चिकन करने में, क्योंकि लेट हो गया है, 10:20 में पहुँचना है, 15:17 हो चुका है, दो तीन मिनट बाकी है, बगल में ही जाना है क्लब में, हमारा का ड्राइंग कम्पटिशन है। तो मम्मा आप ड्राइंग कम्पटिशन में जा रही हो फर्स्ट टाइम, आप इधर देखो ना, कुछ बोलो उधर। पहले काम दिखता है, हाँ इसके आगे कुछ नहीं दिखता, इतना काम क्या, आप छोड़ो ना। रेडी रेडी पक है, सुबह सुबह बैग भी रेडी है, और बदमाशी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाती है हमारा कॉम्पिटिशन में दिखाते हैं आप लोगों को। सबको हाई कर दो, बस चाउमिन खाते खाते थोड़ा गिर गया नीचे, ये आप क्या खिला दिए? आप लोग सोच लोगे इतना देर से क्या, यही बोल रही है गिर गई ना, उठा देंगे नहीं, आपको कुछ नहीं करना होगा जल्दी। मम्मा तो मायरा अभी जा रही है अब घर, एक कलर की जो भी हमी को कराना पड़ा, पेंसिल से ड्रॉ भी हमी को कराना पड़ा, मतलब बोल बोल के सारा चीज़। इतना भीड़ हो गया ऊपर से, सबका पेरेंट्स ऊपर से माइक में अनाउंस कर रहा, डर के रोने लगी। जो भी की शाम को इसका 8 बजे हमारा सरप्राइज़ देखे क्या मिलता है ना बड़ी। तो हमारा को कुछ मिल सकता है इसमें गिफ्ट, तो देखते हैं हमारा को क्या मिलेगा। अभी तो वैसे गिफ्ट मिला है जो कि बच्चा को खाने का मिला है, स्नैक्स कुछ, और उसके बाद रात को 8 बजे फिर से बुलाया गया है। चलो हम आप लोग को रात को 8 बजे का सीन दिखाएंगे कि हमारा उसमें क्या क्या होता है, क्या होता है नहीं होता सब दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं ले पाए क्लिप, क्योंकि मुझे ही उसे ड्राइंग कराना पड़ रहा था, तो हम कुछ नहीं ले पाए क्लिप। तो जो दिखाएंगे तो 8 बजे दिखाएंगे। तो देख रहे हो ना, ऐसे बहुत पक पक करती है मेरे साथ अकेले में, सबके सामने इसका बोलती बंद हो जाता है। चलो घर चले, 8 बजे के लिए सब जल्दी जल्दी फटाफट काम खत्म करें, ताकि 8 बजे फिर आना है। तो ये गाइस अभी हम लोग चले मायरा का सर, देखिए क्या प्राइस मिलता है मायरा को, मायरा का ड्राइंग करने का। जो दिन में पहने थे वही वाला पहन लिए, क्योंकि बारिश का पूरा कर दिया, और इस प्लानेट में आज बहुत बारिश हो रहा ना कि, और यहाँ पे तो अब तक बारिश हुआ नहीं है, थोड़ा सा हुआ बस, छीटा हुआ है बारिश का, और बादल बहुत आवाज़ कर रहा है, तो इसीलिए दूसरा नया है निकाल सकते हैं, नहीं नहीं निकाले छोड़ देते उसको, रखेंगे तो दिवाली में पहन लेंगे, इतना ज़्यादा कपड़ा शॉपिंग करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, जो है इसी में बचा बचा के पहनते जाएंगे, है ना। आज सोचे थे न्यू निकालते मम्मी बेटी एक एक, पर सोच के क्या होता है ना, थोड़ा प्लानिंग भी करना होता है। हमारा प्लानिंग ये कहा आज कि हम लोग कुछ पहले का ही पहन लें, तो हम लोग पहन लें। चलो जाते हैं दिखाते हैं मायरा को क्या मिलता है, क्या वहाँ का व्यू है दिखाते हैं। चलो हमारे घर के पास का जो क्लब जिसमें मायरा जाएगी, उसका गली इस तरह से डेकोरेट किया गया, देखो लाइट। श्रीयुक्त निखिल घोष, এবং সারা দিনে সংবর্ধিত করবে আমাদের ক্লাব সম্পাদক মিলিটন বডি। এবার আমরা পোশাক প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং আমরা দীর্ঘ সময় নেব না, আমরা শ্রীযুক্ত গোপাল রায় মহাশয়কে কিছু বলাবলী সংঘ পরিচালিত সাদা সাদা দেওয়ার সাথে মেতে উঠেছি। আমরা বাঙালি সারা বছর আমরা অপেক্ষা করি কবে আমাদের মা আসবে, আমরা এই কদিন সারা বছর ব্যস্ততার পাশাপাশি এই কদিন আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে মায়ের আরাধনার ভূতি হব, আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করব, যেমন আজকে আঁকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, আমরা এই কদিন ফল কার্ড, দ্বিতীয় বৈভব কুমার গুপ্ত, দ্বিতীয় বৈভব কুমার গুপ্তা, তৃতীয় সৃজিৎ দে, সৃজিতা দে, তৃতীয় গুরু ডি।
त्रोई घोष थ्रो घोष। तो हमारा अपना प्राइज लेके जा रही है, हमारे को मिला है मेडल मिला है, तो हमारा पहन के चली। एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला चाहिए। सच में लाइन चाबी हो गया, ऐसे छोटा छोटा कुछ मिलता था ना, लेकिन पता नहीं है ना, बड़ा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबको। हमारा को कैसा लग रहा बाबू? बाबू कैसा लग रही है? बहुत सही है, पर आपको गिफ्ट लेके कैसा लग रही है? इधर हाथ दो, हाँ तो जोर से बोलो, आओ ना हाथ दो ना, हाथ तो दो ना। हमारा हैप्पी हुई, हमारे को मिला ये गिफ्ट है ना, चॉकलेट तो दिन में मिला था आपको, जब कलर करके आया था मिला था ना, चॉकलेट चिप्स केक और जूस मिला था, अभी भी मिलेगा आपको, अभी तो आपको ही मिला, गिफ्ट मिला आपको देखो। तो हम लोग का यहाँ पे क्लब में इस तरह से होता है। ₹2022 का। तो हे गाइस, ये मायरा को ये मिला तो बहुत अच्छा रहा, पर बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे इसका, मतलब ड्राइंग के पीछे, पता नहीं आगे और कितना सब चीज़ मेहनत करेगा करना, तो आगे जाके तो और भी पढ़ाई में क्या क्या चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा, इसी तरह कितना बार मुझे दौड़ दौड़ के अभी जाना पड़ता है बाहर, बताओ तुम, पूरा थक भागा दौड़ी का ज़िंदगी हो जा रहा है मेरा पूरा। इसको पहनना, सुबह में लेके गए, मतलब उठे फटाफट टिफिन सबका रेडी किए, सिर्फ टिफिन खिलाया सबको, उसके बाद टिफिन खिलाने के बाद मायरा को लेके गए, वहाँ पे भी इसके पीछे पूरा बोलते बोलते, मतलब ड्राइंग कराना पड़ा, इतना भीड़ देखे कि मायरा पूरा शांत हो गई थी, एकदम साइलेंट हो गई थी, कर नहीं रही थी। उसके बाद जाके वहाँ से आने के बाद बहुत सारा, मतलब घर का अवस्था ख़राब पड़ा हुआ था, मतलब जो कचरा हो गया था पूरा, मतलब बिस्तर उस्तर, तो सब कपड़ा धोए क्लीन किए पूरा घर, फिर करते करते चला गया मैंने इतना दिन। और आज षष्ठी था तो आज फूल भी ला दिया था, बहुत सारा माला और फ्रूट्स ला दिए थे, तो उससे पूजा किए। तो उसके बाद जाकर फिर खाना दिन में नहीं बना था, बिरयानी ला दिए थे बाबू, तो शॉर्टकट हो गया था। मुझे बार बार नींद आने वाला ये आ रहा, हम जब नहा के निकले थे मुझे तभी नींद आने लगा था, लेकिन हम सो नहीं सकते थे क्योंकि मुझे बहुत बर्तन क्लीन करना था, बर्तन क्लीन किए, सब्जी धोए, बहुत सारा सब्जी आया था, सबको धो के रखे, फिर उसके बाद सब्जी काटे, एक भिंडी का भुजिया बनाए, एक्स्ट्रा बर्तन फिर से धो के फटाफट से रेडी होके फिर अभी गए, और अब इतना देर बाद अभी आते भी कितना बज रहा पता नहीं, अभी आए और अभी फिर इस ड्रेस को चेंज करेंगे, और अभी मुझे नींद आ रहा है, पर हम सो नहीं सकते अभी भी, फिर हम जाएंगे अभी अब रोटी बनाने, रोटी बनाने के बाद फिर खिलाएंगे इसको, फिर हम थोड़ा सा नहाएंगे, फिर हम सोएंगे। सोच रहे हो कितना हालत ख़राब हो गया, मतलब एनर्जी नहीं मिला कि आज कल हम ब्लॉगिंग हम दिन भर में एक बार भी स्टार्ट नहीं किए, वैसे ही मतलब आए और जितना जल्दी हो सके काम खत्म करने में लगे हुए, पूरा रात रेस्ट करेंगे, तो फिर हम कल हम लोग जाने वाले हैं फिर से घूमने, तो देखते हैं कल का दिन कितना क्या घूमते हैं, अब ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत घूम लिया इतना ना कि ये भीड़ भीड़ पसंद नहीं आ रहा है, इतना भीड़ इतना चल रहा, ऊपर से मायरा को गोदी में लेके चलना बहुत, मतलब बैन बच जाता, अच्छा तो लगता है घूमना लेकिन बहुत भीड़ होता है, इतने भीड़ में सच में बच्चे को लेके जाना बहुत प्रॉब्लम होता है, ऊपर से अगर सो गया बच्चा तो उसे भी गोदी में लेके चलो, उस हालत में भी जगह हुआ बच्चे को गोदी लेने में जितना ठीक लगता है ना, उतना सोया हुआ बच्चे को लेने में बहुत मुश्किल लगता है, तो ऐसा हालत है ये, इसको बस मेरा बैग में पैसा ही खोजना होता है, बस जिधर से निकल जाए पर्स में पैसा, एक दो रुपया करके हर पर्स में करके, मतलब एक दो रुपया बोल ले 10-20-50 करके हर पर्स में रखते, कि कभी अगर हम पैसा बिना लिए निकल गए ना तो पर्स में मेरा मिल जाएगा मुझे, अगर मुझे इमरजेंसी कुछ चाहिए तो हम हर पर्स का छोटा सा चैन में हम हमेशा पैसा रखते, इसमें भी रखा हुआ मेरा इधर, ये कितना 100 है और कुछ है चेंज है, तो इसको मैडम को वो पैसा निकाल के देखना होता है, तो इधर का चैन क्यों खोल रही है, देखो हमेशा पैसा वाले चैन खोलेगी, ऐसा नहीं दिखा सकती क्योंकि वो फ्रॉक खोल रही है, तो इसलिए चलो उसको नहीं लाते क्या, चलो बोतल चाहिए था, खाता भी लेके गए थे पता है, बारिश हो ही रहा था तो पर लगा नहीं, चल जब गए तब रुक गया था फिर से, और जब आए थे तब भी रुक गया था, बीच में वहाँ पे थे तो बारिश हो रहा था, तो ये पर्स मेरा एक और भी देख, और भी जो है सबने थोड़ा थोड़ा करके मतलब इसी तरह छोड़ देते रहता है, तो निकाल के पूरा खाली नहीं करते क्योंकि जब कब भी जाए अगर फंस गए पैसा लगा तो काम दे देगा। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन, अब बोल के बता दिया आप लोग को, दिखा नहीं पाए कुछ ज़्यादा, बस हमारा का ड्राइंग कुछ इस तरह से होता है, और हमेशा हर साल ही होता है इस तरह का, तो हमारा तो फर्स्ट टाइम थी वहाँ पर, और क्लब में हम भी फर्स्ट टाइम इस तरह से इतना देर तक विजिट किए थे, हम भी नहीं जाते थे क्लब में, हमको पसंद नहीं है जाना अकेला, कैसा लगता है मतलब सब अपना अपना ग्रुप बना के आता था और हम अकेला रहते थे, तो ग्रुप बन जाता रहने से पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है वो क्लब में जाओ ये करो वो करो, लेकिन कोलकाता में यहाँ पे सब मिलके क्लब में पूजा का टाइम इन्जॉय करते हैं, हम नहीं जाते, मेरा फुर्सत नहीं मिलता है, और अब शायद कुछ ना कुछ करके इधर उधर जाना अब लगा ही जाता है, तो चलो दिखाते रहेंगे अपने लाइफ में कितना चेंजेस आता है, हम लोग सब दिखाएंगे, कौन कर रही है देख लो, कितना शैतान हो गई है नई लड़की, देखो
चलो हम खाना बना लेते हैं अभी के लिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कैसा लगा आप लोग को छोटा सा ब्लॉग बताना? और वो हमारे वहाँ का मतलब हम लोग को वार्ड नंबर है, तो वार्ड नंबर हम लोग का 112 है, तो उसका जो भी क्या बोला जाता है बंगाली में बोलना था मैंने पता, उस वार्ड का जो भी होता है जैसे बड़ा है ना पीएम मोदी जी, उस तरह से वार्ड का क्या बोला जाता है इतना नंबर वार्ड का, तो उसको क्या बोला था, तो वो आया था जो व्हील चेयर पे थे, व्हील चेयर बोलता है वो, व्हील चेयर नहीं बोलता उसको, वो तबीयत ख़राब रहने से वो जो चेयर रहता है ना जिसपे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इधर से उधर जाने के लिए यूज़ करते, उस चेयर को क्या बोलते मुझे नहीं पता, उस चेयर पे बैठा के लाया गया था, उसी पे बैठे मतलब बैठा के उठाया गया तब, तो वो थोड़ा देर रुके, मतलब सब ग्रुप का जितना भी ग्रुप डिवाइड किया गया था सब में का ए, मतलब दो दो तीन तीन बच्चा का वो दे दिया, उसके बाकी का और भी जवान का और सब कुछ कुछ लगता है वहाँ का, सब बंगाली में ज़्यादा बोला था, और मेरे बस का बंगाली थोड़ा आजकल ऊपर हो गया है, और उस टाइप का जो नाम बोला था कि वर्ड नंबर का ये वर्ड हम इस सब में ज़्यादा नहीं जानते इसलिए मुझे नहीं पता, सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, बंगाली में है वीडियो ही डाल देंगे हम, तो आप लोग देखना डाल देंगे कि आप लोग देख के समझ गए हो तो मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आता ये सब चीज़ समझना, वर्ड नंबर का क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एरिया को जो रहता है उसको क्या, मुझे एक ही बार सी एम और पी एम पता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, इसका पॉलिटिक्स का मुझे ये सब नहीं पता, तो हम आप लोग को दिखा दिया ऐसा ही होता है। यहाँ पे आते हैं दुर्गा पूजा में, मतलब ओपनिंग करने भी आता है बहुत इंसान, तो ऐसा होता है। चलो अभी के लिए टाटा भाई बहुत बोल दिए, किसी को कुछ जानना है तो पूछना जरूर, तो फिर बता देंगे, ठीक है।